किसी को समझ में आता है ये सामान? ये लाइट फिटिंग का सामान। इसका नाम क्या है? गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एक और नई व्लॉग में। सो गाइस, अब लगभग घर का काम जैसे कि ये बाउंड्री वगैरह बनवानी थी वो भी बन गई है, एंड डिजाइन का तो आप लोगों को बता ही दिया था कि मैंने। आप ये बोल रहे थे ना कि डिजाइन सिर्फ आप यहाँ क्यों डलवा रहे हो, सामने की साइड डलवाना था, तो दोनों साइड डिजाइन आएगी। इधर की साइड भी जो सामने की है ना वहाँ पर भी डिजाइन आएगी और इधर भी आएगी। इस वजह से मैंने इधर का भी छोड़ दिया, सामने का भी एक शो हो जाएगा और उधर सामने का भी हो जाएगा। और ये टावर वावर तो कम्प्लीट हो गया, चादर उधर भी डल ही गया है। तो अभी मैंने लाइट फिटिंग वाले भैया को कॉल करा था कि अब लाइट वगैरह फिट भी करवा लेते हैं। जैसे लेट बात तो लगभग कंप्लीट हो गई, अब उसमें पानी वानी है, टंकी वंकी भी तो ले आए, इसमें पानी वानी भरेंगे, फिर इसको भी अच्छे से कंप्लीट करवा लेंगे, नल बल चालू करवा लेंगे लेट बात में और उसको चालू करवा लेंगे। तो उसी के लिए मैंने कॉल करा था, तो उन्होंने बोला अभी आ रहे, थोड़ी देर से आएंगे वो। सो देखते हैं क्या होता है आज लाइट फिटिंग के बारे में, सामान वगैरह लाने के लिए बोलेंगे क्या होगा वो तो आपको पता चली जाएगा। अभी बहुत देर से मैं वर्कआउट कर रहा था, धीरे 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 थोड़ा थोड़ा काम करवाते जाता हूँ तो ठीक रहेगा। जैसे लाइट फिटिंग होगी उसके बाद तो प्लास्टर वगैरह होगा ना घर का, ठीक है। सो वेट करते हो भैया कब आते हैं लाइट फिटिंग वाले, अभी तो नीचे जाते हैं। इसी भी चढ़ के हम नहीं उतर के हम नीचे आ गए, तो बच्चे क्या कर रहे हैं हमारे शैतान बच्चे। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। तो गाइस मैंने रोटी खाई है, तन्ना और बुआ रोटी खा ले। तानू गुड मॉर्निंग, क्या कर ले हो? लोटी खा ले। तो ये रोटी खा रहे और क्या बनाया है खाने में? काय की दाल है? मसूर की दाल। मसूर की दाल खा रहे बेटू, तुमने खा लिया? हां खा लिया मैंने और दादी। तो गाइस ये ले दादी। मम्मी क्या कर रहे हो? साफ सफाई बोल रहे हैं। मम्मी साफ सफाई कर रही। गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? बढ़िया है। बढ़िया है मम्मी, आप हिंदी बोला करो ना थोड़ी। बोलो बोला करो हिंदी। हम तो अच्छे, आप कैसे हो? अच्छे। आज स्कूल जाना है? हाँ अपनी रोता ना, बहुत अच्छी बात। हाँ बहुत बड़ा हो गया रे बिट्टू। तो मम्मी ने चिल्लाया कि गाय के लिए रोटी ले आओ करके। तो ये है गाय माता, देखते कैसे खिलाता है बिट्टू। डरता है कि अच्छे से खिला देता है, अभी देखते हैं। जल्दी ओ फेंके नहीं, फेंके नहीं, उसकी मत देना है, मुंह खिला उसको। खिला दिया। तो हमने गाय को रोटी खिला दी है। फेंके नहीं देना, फेंके नहीं देना, फेंके नहीं देना बेटा, फेंके नहीं देना। हाँ ऐसे खिला, फेंके मत देना, मेरे को दे दे, फेंक के नहीं देना बेटा, फेंक के नहीं देना, फेंक के नहीं देना बेटा, ऐसे खिला दो। तो ये गाय माता को रोटी खिलाना होगा। बाय 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 बाय। तो गाइस अब आपको भी बता देता हूँ कि क्या क्या काम करवाना है अभी। जैसे वो लाइट फिटिंग वाले भैया को बुलाया ना, तो देखो ये लेट बात तो हो गई है कम्प्लीट है ना। अब टंकी वंकी लाना तो वो भी लेके आ गया, छत के ऊपर भी रख दिए वो। तो अभी इसमें नल वल चालू करवाते हैं ना वो, और इसको कम्प्लीट करवाना है, चालू वालू भी तो करवाना है अभी इसको वो भी, और फिर ये अपने घर की घर में लाइट फिटिंग भी तो करवानी है। प्लास्टर होता है उससे पहले लाइट फिटिंग करवानी रहती है ना, तो पहले वो करवाएंगे, उसके बाद में धीरे धीरे अगला आगे का काम भी करवाएंगे। तो इसी वजह से मैंने बुलाया हुआ है ताकि ये सामान वगैरह भी बता देंगे, सामान भी ले आऊँगा। अभी ये तो करवा सकता हूँ मैं कि इसकी लाइट फिटिंग हो सके। क्या पाइप वगैरह डलते क्या डलते यार, देखते कब आते हैं भाई साहब। मैंने बोला था ना कि लाइट फिटिंग वाले भैया को बुलाना है, सो वो आ गए। ये कहाँ की मशीन है? झीरी करने वाली मशीन। झीरी, ये झीरी करने वाली मशीन हो रही है, ये खोदने की। खोदने की। तब ये इसमें वो क्या बोलते उसको, लाइट फिटिंग के लिए वो करते हैं झीरिया, सब करेंगे अब पूरे घर में। लाइट फिटिंग के लिए जो झीरी वीरी करते हैं ना वो करने का काम भी शुरू होगा। वो तो भाई आए हुए सामान वगैरह सब लेके, वो भैया आया तो उन्होंने काम बता दिया इनको, और अभी वो गए हुए लिस्ट वगैरह बना के लाएंगे ना, सामान बताएंगे क्या क्या लेके आना है। जैसे लाइट फिटिंग के लिए जो झीरी वीरी बना रहे ना क्या बोलते इसको, तो उसमें देखो कितना क्या ये धुआं धुआं उड़ रहा है। ये बोल रहे थे कि पहले तरी कर देना था तो अच्छा रहता, सो अभी कर देते हैं क्योंकि ये दीवारें सूखी है ना, इस वजह से इतना धुआं निकल रहा है, फिर वो आंखों में भी जाएगा और फिर करते ही भी नहीं बनेगा काम। सो अभी मैं पाइप वगैरह लगा लेता हूँ, मोटर वगैरह वो
तरी मार देता हूँ घर के अंदर अच्छे से, ताकि उनको दिक्कत नहीं काम करते हुए। मोटर वोटर भी ला के रख दी और वायर वायर भी इसमें लगा दिए, अब जाके स्विच ऑन करना है बस। ये देखो कितना क्या धुआं हो गया, देखो बहुत ज़्यादा उड़ रहा है ना, आंखों में भी जा सकता है। देखो ये कुछ ज़्यादा ही सूखा सूखी सूखी दीवारें ना इस वजह से। तो ये मैंने पाइप वाइप सब लगा लिए, अब मैं फट से तरी कर देता हूँ चालू करके। तो गाइस लगभग सभी कमरों की तरी हो गई है, लाश से बचा हुआ है और आपने यहाँ देख सकते हो पूरा गिंदा हो गया है तरी करने में। ये तरी इसलिए कर रहा हूँ ताकि वो खाली जारी जा रही है, खाली खाली वो लाइट होने के लिए चेक करते हैं वो फिर वो धूल से उड़ रही, देखा था आप लोगों ने कितनी ज़्यादा धूल उड़ रही थी। तरी करते करते पूरा गीला हो गया था, अभी तो मैंने कपड़े चेंज कर, अब फिर से हो जाएगा इनका काम चालू, अब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब धूल वगैरह ज्यादा नहीं उड़ेगी, थोड़ी बहुत उड़ सकती है शायद। उधर मशीन फिर से चालू हो गई है, अभी मैं बोलूँगा तो शायद सुनाई भी नहीं देगा। ये भाई साहब कौन है, ऐसे कैसे हमारे घर जा रहा है? अब देखते हैं हमारे घर के लोग क्या करते हैं भाई साहब के साथ। शरीर से तो अच्छे खासे लग रहे हैं, मतलब कमा भी सकते हैं, बट क्या करें, हो सकता है यही उनका काम हो। अभी क्या कर सकते हैं, हमारे घर वालों का दिल कितना बड़ा है वो देखते हैं अपन, ठीक है, सो पता चल जाएगा। इधर ध्यान से तो देख रहे भाई साहब, कंफ्यूजन हो रही कि क्या हो कह रहा है। हम बहुत चालू आदमी है ऐसा बोल रहा होगा, और ये मम्मी लेके आए कुछ ना कुछ। देखा मम्मी बहुत दयालु है, भले थोड़ा सा दिया लेकिन दिया तो है। हमारे घर से ना कोई खाली हाथ नहीं जा सकता है। जय महाकाल, जय महाकाल। तो ये नहा के आ गया है बिट्टू, दूसरा शर्ट पहन लेना, जा धीरे से जा। ये स्मार्ट शंकर की बॉडी देखो, स्मार्ट शंकर की बॉडी देखो, स्मार्ट शंकर की बॉडी देखो। ए देखो शर्ट पहनने के लिए बोला था, निकालने के लिए थोड़ी ना बोला। बटन को क्या करे, टाक रहे बिट्टू की बॉडी है यार। भाई साहब हमारे घर से सामान लेके जा रहे, काय कब लाओ कब वापस आओ, जा ले जाने। कहाँ जा रहे हो, स्कूल पैदल जा रहे हो? तो आज दोनों के दोनों पैदल स्कूल जा रहे। देखो ये रहा बिट्टू भी, जाओ 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 बेटा जाओ, बाय 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 बाय। क्या गाड़ी आने दो, बाइक वो जो भाई आया है ना काम करने के लिए, तो पत्ता वत्ता कुछ खत्म हो गया तो पत्ता लेने के लिए गए हुए, बाइक से गया हुआ है वो। आ गई ये गाड़ी, अब लेके चलते हैं बिट्टू तन्नू को स्कूल। चलो बाय बाय कर दो, चलो। ये लिस्ट बना के दे दी सामान की, मैंने बोला था ना सामान वान क्यों आएंगे भैया, लिस्ट वगैरह बना के देंगे। 8 mm, 6 mm, 3 mm, 2 mm, 8 mm, पता नहीं mm। अब ये तो पीछे कुछ नहीं लिखा। सो अभी जो भी ये सामान है ना वो फट से लेके आते हैं। आ गए हैं मार्केट में, और ये वही दुकान है जहाँ से मैं हर बार सामान लेता हूँ। किसी को समझ में आता है ये सामान, देख के बताओ अच्छे से। हेलो, लिस्ट वगैरह दे दिए, अब वो चेक कर रहे हैं फिर देंगे सामान। तो इधर अभी सामान निकाल रहे, ये रहे वो पाइप दीवारों में लगते हैं ना वो वाले पाइप, फिर लाइट के 20 पाइप तो ये बांध दिए। अब और दूसरा सामान निकाल रहे, अब देखते हैं इसमें कोई वॉल बॉक्स बोलते हैं इनको शायद, ये भी लिखा होगा लिस्ट में तभी तो देख रहे। भाई साहब पूछ रहे तो ये पता नहीं वॉल बॉक्स, वॉल बॉक्स बोलते हैं इसको 25, तो ये 25 बोला होगा। बैंड किसको बोलते हैं देखा, ये हो ये इसको बोलते हैं बैंड, ये भी निकालना है 25। इसमें क्या है, ये कितने बोला, 18 मॉडुलर। इसका नाम क्या है, 18 मॉडुलर। ये जो नीचे लिखा हुआ सामान है ना, ये 12 mm, 8 mm, ये तो ये वही है, ये छोटे छोटे बॉक्स है ना ये। सामान तो लगभग पूरा ले लिया है, अब मैं चेक करता हूँ एक बार। ये 1.5 mm के 20 पाइप, 24 पाइप ये रहे, इसके बाद में बैंड, तो बैंड ये रहे, उसके बाद में डब्बी, ये रहे डब्बियाँ, इसके बाद में लूज पाइप, तो लूज पाइप उधर निकाल देते हैं। जो पाइप है ना वो पाइप को लूज पाइप बोलते हैं वो, कहते हैं। फिर MCB बॉक्स ये रहा, ये बॉक्स, इसके बाद में आरी पत्ते दो ये रहे, फिर सेंटिंग बिलिंग जी,
ये रख 1.5 किलो और 12 एम के 2 डब्बे, ये रख 8 एम नहीं, सॉरी सॉरी माडुल बोलते, मैं एम लिखा तो वही पढ़ रहा हूँ, शॉर्टकट पढ़ रहा हूँ ना, फिर 8 माडुल के 10, ये रख इसमें, उसके बाद 6 माडुल के 3, ये रख 3, ये रख, फिर 3 माडुल के 2, ये रख 3 के 2, ये रख, और 2 माडुल के ये रख 2, और 18 माडुल के का एक ही है ये रख। तो हो गया है पूरा सामान, इतना लिस्ट हमें लिखा था ना उतना पूरा का पूरा ले लिया है, आप हिसाब करवाते कितने का आएगा, सारा सामान मिला भी लिया, और अब ये बिल विल भी बना के बता दिया, तो देखो कितने तो बने, देख रहे 3300 रुपए हुए। सो अभी फटाफट पैसे वैसे देते हैं, फिर जाते हैं घर सामान लेके, पैसे वैसे भी दे दिए, ये 3300 रुपए दे दिए, और ये भाई साहब अब रख रहे सामान, इसके बीच में भी एक रस्सी बांध देना, सामान लेके आ गए हम लोग, ये इधर देखो मम्मी आज काई से रोटी खा रहे, मम्मी घी से खा रहे, दाल खत्म हो गई क्या, तो आज घी से खाने का मन हो गया, तो कभी कभी हम ऐसे भी रोटी खा लेते, देखो ये जैसे मम्मी खा रहे हैं, खा लो। लाइट फिटिंग के लिए जीरिया वीरिया हो गई है, ये देख लिया आप लोगों ने, ये इसको जीरी बोलते कि और भी कुछ बोलते हैं, मतलब अगर आप में से भी कोई लाइट फिटिंग का काम करते हो और आपको अगर इसका और कोई नाम पता हो तो बताना जरूर, हमारे इधर इसको जीरी करना बोलते हैं, ये जो वो है ना, ये छेद दिख रहे हैं ना आप लोगों को दीवार में, इसमें पाइप डालेंगे ना, वो जो आज लेके जो आया हो ना वो वाले पाइप इसमें डालेंगे, आज देखते हैं थोड़ा बहुत ये जो बचा रहता है ना जीरी करने के बाद, इसको ठोकना भी पड़ता है, तो ठोका हुआ है निकाल दिया, देखो किस तरह से बचा हुआ रहता है, उसके बारे में बताता हूँ आपको, देखो यहाँ से तो ये मशीन के जरिए हुआ है, ये मशीन लगी है, लेकिन इसको भी ये छेनी और हथौड़े से, ये छेनी बोलते हैं इसको, ये इसकी मदद से इसको खोलना पड़ेगा ना, ये लेवल बनाना पड़ेगा जो इस तरह से बना हुआ है ना, यही का लेवल बनाना पड़ेगा तो खोलना पड़ेगा, तो ये थोड़ा बहुत तो खोल दिया है, और थोड़ा खोलना बाकी है, तो आज देखते हैं ये पूरा काम, मतलब आज ये जीरे बनाने में ही पूरा दिन निकल जाएगा, या फिर पाइप वगैरह भी डलने लग जाएंगे जो सामान लेके आया हूँ, वो तो आप लोगों को आगे ब्लॉग में पता चले जाएगा। अभी लगभग 6 बजने वाली है, आप लोगों को आवाज़ सुनाई दे रही होगी, अभी वो लाइट फिटिंग का काम अभी भी चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो दीवारें खोलने के बाद ये भी काम हो ही जाएगा, बट ये नहीं हुआ, और अभी टाइम ज़्यादा हो गया, वो चला गया घर, वो दीवारें खोल दी, अब कल वाल ये फिट करेंगे, मतलब ये लगाएंगे पाइप उसमें दीवार में फिट करेंगे। तो गाइस सबसे पहले आप सभी को दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ, आप सभी का थैंक यू सो मच, जो आप लोगों ने हमको इतना सपोर्ट करा, उसकी बदौलत आज हमारा घर धीरे धीरे कंप्लीट होते जा रहा है, और आप लोगों ने देखा लाइट फिटिंग का सामान लेके आ गया हूँ मैं, और जैसे घर में क्या धीरे धीरे करना बोलते है ना, वो तभी तो उसमें पाइप फिट होगा, तो वो करना हो गया है, और पाइप वगैरह शायद कल वल से फिट होंगे उसमें, आज तो उनको ज्यादा लेट हो गया था, आप लोग जो ये सपोर्ट कर रहे हो ना उसकी बदौलत ही ये सब हो रहा है, और ना आप लोगों ने तो देखा ही था हम क्या काम करते थे, अब वो काम भी हमारा छूट गया, और अभी मम्मी को भी आराम मिल गया है, मम्मी अब अच्छा लगता है ना, मम्मी ने बहुत मेहनत करी हुई अपनी लाइफ में, बहुत ज्यादा मेहनत करी हुई है, आप लोगों ने जो सपोर्ट करा यहाँ तक पहुँचाया हमको, आप लोगों के सपोर्ट के बदौलत हमारी लाइफ चेंज होगी, उसके लिए थैंक यू सो मच, जितनी बार आप लोगों का शुक्रिया अदा करें ना उतना कम है, हम उम्मीद करते हैं कि अपना ये प्यार हमेशा बनाए रखोगे, हमको जैसे सपोर्ट करते आ रहे हो वैसे ही सपोर्ट करते रहोगे, सो अभी तो फिलहाल हम इस ब्लॉग का एंड कर लेते हैं, तो गाइस बोलो कैसा लगा, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मैं बोल पूरा बोलने, तो गाइस बोलो कैसा लगा, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके, बोला। Okay, Charlie.